अपना टायर, मुझे लगा था हाँ ब्रांड न्यू है भाई, बस एक दो जगह पे गंदा है। वाह इधर देखा क्या बात है, ये मेहंदी खुद भी लगाती है, एक्सपर्ट है उस चीज में। पे लगी है अपनी एंजेला, आप सबको पता है हमने चिरनबल राइड किया, लेकिन राइड पे ना काफी सारी दिक्कत आई, बिकॉज टायर जो है ना वो पूरा खत्म हो गया था, और इसमें अभी भी एयर प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल नहीं है भाई, पूरा खत्म है टायर। और जब मुझे टायर लाना होता है ना, मुझे जम्मू से मंगवाना पड़ता है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आज टायर पहुंच चुका है, मैंने सोचा पहले चेंज कर लेते, और एक राइड का प्लान बन चुका है, उस चीज के लिए ना मुझे अपनी बाइक को प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, बाइक रेडी होनी चाहिए। अभी फिलहाल बाइक को ना कोल्ड स्टार्ट करते है। टायर पे ना आज हम एक खतरनाक सा बर्नआउट मारने वाले हैं, और इसमें नया टायर इंस्टॉल करेंगे, वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा हमने कैसा टायर लिया है, ठीक है, काफी मजा आएगा भाई। लेट्स गो। काफी धूप हो रही है इसलिए मैंने राइडिंग गियर्स नहीं लगाए। बाइक में टायर खत्म होता है या एयर प्रेशर कम होता है, बाइक का बार जो है ना वो आपके आर्म्स पे आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ भाई मेरी बाइक जो है ना पूरी रेडी रहे, उसके बाद जो है ना एक राइड का प्लान मैं करूँ। बाइक में कोई भी चीज चेंज करनी होती है ना, मुझे जम्मू से मंगवाना पड़ता है, उस चीज में काफी टाइम लगता है, कभी गाड़ी वाला आता है, कभी फंसता है ट्रैफिक में। तो भी हम अपनी बाइक जो है ना यही पे लगाते हैं, बिकॉज इसका टायर जो है ना ये देखो भाई पूरा बैठ चुका है, एंड अपनी बाइक जो है ना पीछे से लुक्स के हिसाब से देखे ना बहुत गंदी लग रही है भाई। लेके जा रहा हूँ भाई MT15 पे टायर लाएंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, उस पे बर्नआउट मारेंगे। इसमें एग्जॉस्ट लगा है क्या? ओह भाई इसमें फुल सिस्टम डला है भाई, ऐसी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी काफी सुंदर बाइक है, इसकी आवाज भी बहुत क्रेजी है। ओह माय गॉड, ये तो पूरी बाइक जो है ना वाइब्रेट हो रही है कसम से। तो ब्रेम्बो कैन दो लगे हैं ना, ये काफी अच्छे लगते हैं, एंड ये चमक रहा है, इसमें रेड सिटिंग होती है। अभी हम जाते हैं टायर लाने के लिए। हाँ भाई जान, बढ़िया बढ़िया जान, आप कैसे हो, कब आ रहे हो यहाँ पे? ठीक ठीक ठीक। कौन सी R1? ठीक है जान, आएंगे इंशाल्लाह, घूमेंगे आपके साथ, इंदौर भी आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। और बाकी सब सिस्टम ठीक है ना? बढ़िया, आप करो चिल यार, मुझे करना कॉल जब आप निकलोगे ना, मुझे बताना उस टाइम, ठीक है ना? मैं व्लॉग बना रहा हूँ अभी, ठीक है जान मेरी, ओके ठीक है। चलो भाई अभी हम जाते हैं टायर लाने के लिए, एंड इस वाली MT15 में ना हमने रिसेंटली टायर चेंज किए थे, एंड ये टायर मैंने मंगवाए थे भाई जम्मू से। मेरा फ्रेंड सर्कल है ना, सारे भाइयों ने नए टायर डाले हैं बाइक्स में, एंड इनके लिए मैं टायर मंगवाऊँ। अगर किसी को भी टायर चाहिए ना मुझे बता देना, ठीक है ना, आप मॉम को मैसेज कर देना, उसके बाद हम आपके लिए भी टायर जो है ना वो ऑर्डर कर सकते, टायर जो है ना आपके घर तक डिलीवर कर देंगे काफ़ी अच्छे रेट्स में, ठीक है ना। इतने सेगमेंट का टायर आपको चाहिए ना वो आपका भाई आपको दिला सकता है। 190 है भाई, मैं भी 190 डालता हूँ, एंड MT15 में भी 190 जो है ना वो हमने इंस्टॉल किया है। गया भाई अपना टायर, ये आ गया भाई अपना टायर, मुझे लगा था हाँ ब्रांड न्यू है भाई, बस एक दो जगह पे गंदा है। आप ये सब स्टैंड्स वही पोज बना भाई, कैसा टायर कैसा है, सही है ना? ये 190 है, उसको जानते हो भी स्टैंड्स को, कैसे लगते हैं उसके ब्लॉग्स, उसके व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया लगते हैं ना, ठीक है जान। डेली रूटीन जो ना हमारा ऐसा ही है भाई, हर दिन ना कोई काम होता है बाइक्स के रिलेटेड, ठीक है, वो हमें ठीक करवाना पड़ता है। बाइकर एक चीज़ ठीक करता है दूसरी ख़राब हो जाती है ना भाई, ये डेली रूटीन है हमारा भाई, रोज़ जाओ, ठीक है, राइड्स करो, बाइक को मेंटेन रखो अच्छे से, सर्विस करो टाइम पे, टायर चेंज करो, ब्रेक पैड्स चेंज करो। सबसे पहले जाते हैं हम इस टायर में बर्नआउट मारने के लिए, उसके लिए ना मुझे एक सेफ जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। चलो भाई अभी इस टायर पे ना हम बर्नआउट मारेंगे, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं एक बार।
काफी मशक्कत के बाद टायर जो है ना फिलहाल चढ़ चुका है अपनी बाइक पे। काफी ज्यादा दिक्कत आ गई थी भाई, अभी टाइम चेक कर लो भाई, 5 बजने वाले, 2 बजे यहाँ पे आया था ठीक है। 3 घंटे हमने दिए, सारे काम उल्टे किए आपने यार, इतनी मेहनत हमने की, 4-5 घंटों तक मेहनत कर रहे थे एंड लास्ट में हमने देखा भाई इस बंदे ने टायर ही उल्टा लगा दिया है ठीक है। ये ग्रिप जो है ना भाई, ये एरोज वगैरह जो है ना, ये आगे क्यों रोते हैं। इतने टाइम तक हम लोगों ने मेहनत की, कम से कम 3-4 घंटे ठीक है, एट द एंड में देख रहा हूँ भाई बंदे ने टायर ही उल्टा लगा दिया है। अभी सारी चीजें जो है ना ये भूल गया था भाई, इन बाइक्स के बारे में ना यहाँ पे किसी को उतना पता है नहीं भाई, टायर खोलना भी ना काफी मुश्किल हो जाता है भाई, वो दिक्कत आती है। कोई चीज खोलते है ना बाइक, उसको वापस कैसे जोड़ना है किसी को पता नहीं होता। इन बाइक्स के पार्ट जो है ना थोड़े बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स जो हमारे मार्केट में आजकल चलती है। अभी हम आ चुके हैं भाई अपना टायर वगैरह सारा कुछ चेंज करके, टायर आप सबको बताया यार कल हमने उल्टा लगा दिया था एंड अभी मैं आया हूँ टायर की टेस्टिंग करने। तो ये टेस्टिंग होगी भाई फेवरेट रोड पे, जो मेरा फेवरेट रोड है, यहाँ पे मैं अक्सर राइड्स वगैरह करता हूँ। यहाँ तक पहुंचे ना, यहाँ तक हमने काफी अच्छा राइड किया, मैंने उस चीज का व्लॉग नहीं बनाया। हर वाली ब्रेक जो है ना ये फेल हो चुकी है, हम लोग राइड करने वाले हैं एंड ये मेरे साथ काफी राइड्स कर चुके, तो इसको पता है भाई हम कैसे चलते हैं। ये लड़की जो है ना बिल्कुल नहीं डरती, ये स्ट्रॉन्ग लड़की है। चले हाँ, ये एक जगह पे हैंग होते हैं, दोनों साइड से पहन ले ठीक है ना। चले ग्रीनरी जो है ना बहुत खूबसूरत है एंड ग्रीनरी के ऊपर पहाड़ है ठीक है, पहाड़ों के ऊपर बादल है का जो है ना भाई, जब भी आप यहाँ पे आओ ना, ये आपको कभी निराश नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ का वेदर जो है ना वो विद इन सेकंड्स चेंज होता है, मतलब क्लाउडी क्लाउडी होता है इस साहब। यहाँ पे मौसम जो है ना इतना ज्यादा ठंडा है, काफी सारे क्लाउड्स आ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, चढ़ेगी यार, चाय ले आते हैं। हमने क्या क्या खाना है, मैगी, ऑमलेट, चाय। हाँ मैं खाऊंगा ऑमलेट प्लस चाय, तुम खाना मैगी ठीक है। एक तो चाय दो बना दो ठीक है, अच्छी बनाना, और हमें चाहिए मैगी एक और ऑमलेट एक ठीक है। चलो बाइक जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है एंड इसका टायर जो है ना ये हमें चेक करना था, ये लीन्स वगैरह पे इसका रेस्पॉन्स कैसा है। काफ़ी अच्छा राइड किया हमने, मज़ा आया। कल मैं देख रहा था बाइक में ना और एक दिक्कत आ गई है भाई इसमें ना भाई, यहाँ पे वेल्डिंग जो है ना उठ गई है, एग्जॉस्ट जो है ना बाहर आता है एंड वाइब्रेट करता है काफ़ी ज़्यादा। बाकी बाइक जो है ना आज पूरी सेट है, जो है ना रेडी है, अपना ऑमलेट आ चुका है, मैगी भी आ चुकी है, चाय भी आ चुकी है। मैगी मैंने इसको बोला था स्पाइसी बनाने के लिए ठीक है, बट भैया ने ना उतना ही मसाला डाला जितना मैगी में आता है। चाय यहाँ पे खाते हैं भाई, क्या जगह है भाई, यहाँ पे ये चीज मिल जाए भाई मजा ही आ जाता है ना। मैगी एंजॉय करते हैं, ये क्लाउड्स देखो भाई, अभी ये सारे क्लाउड्स जो है वहाँ से आ रहे हैं, ये पता है नीचे की ओर चल रहे हैं। चलो भाई अभी हम आ चुके हैं दीदी के पास, यहाँ पे लगाएंगे मेहंदी पूरे हाथ को। ओके आप कहाँ से हो? राजस्थान से हो? इसकी फेवरेट लोकेशन है राजस्थान, अभी देखा नहीं है राजस्थान, हम जाने वाले हैं दोनों साथ में, राजस्थान हमें घूमना है। हाँ हम होते ना राइड्स करते कभी यहाँ पे साथ में। वाह इधर देखा क्या बात है, ये मेहंदी खुद भी लगाती है, एक्सपर्ट है उस चीज में।